चलो समझ में कम आ रहा, छापू पहले उसी को उतारो। वही दोनों सवाल पे चलो पहले देख लेते हैं, तब फिर इधर आते हैं। चलो पहला वाला उतारो। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण टेन इनवर्स अंडर रूट टू होता है। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण टेन इनवर्स अंडर रूट टू होता है। हो गया ना? तो चलो देखो, हो जाएगा। तो अब ध्यान देने वाली बात है, शंकु है तुम्हारा तो एक शंकु बना लो। ध्यान से देखना, तुमने इस तरह से एक शंकु का निर्माण कर दिया। हो गया ना? यहाँ पे केंद्र है, केंद्र से इसकी क्या है, ये त्रिज्या बात नहीं, और यहाँ से ये सीधी ऊंचाई है यच, ये कोण है कितना अंश का, 90 अंश का। देख रहे हो ना इधर? अब ध्यान देने वाली बात है, करेंगे क्या इसमें, हम अर्धशीर्ष कोण की बात किया है। कोई भी शंकु होता है ना, तो ऊपर से देखो ये त्रिभुज के आकार का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वही जो कोण होता है उसका शीर्ष कोण होता है, मतलब पूरा अगर ले ले तब वो शीर्ष कोण होता है। हमको मतलब किससे है, अर्धशीर्ष कोण से ना, तो अर्धशीर्ष कोण हम बस इतना ही आधा मानेंगे, समझ गए? शीर्ष मतलब ऊपर वाला और अर्ध लग गया मतलब उसका आधा, तो ऊपर वाले कोण का आधा यही होगा हमारा अर्धशीर्ष कोण। इसको हम मान लेते हैं क्या, अल्फा। कुछ भी मान सकते हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है क्योंकि वो दिया नहीं गया है। हो जाएगा? अब शुरू करो, आगे देखो क्या करना है। तिरछी ऊंचाई इसकी क्या होती है, यल होती है। तो नाम लिख दो यहाँ पे ए, यहाँ बी और यहाँ सी, और जो केंद्र है उसको ओ। तो माना त्रिज्या बराबर आर, ऊंचाई बराबर यच, हो गया ना? और तिरछी ऊंचाई बराबर क्या जी, एल। और उसके बाद समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज बन रहा है जी इसमें, एक ठोर तो कौन सा समकोण त्रिभुज बन रहा है, नाम क्या है, एओसी में, एओसी यही एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। तो इसी त्रिभुज में हमको चर्चा कर लेनी है पहले, क्योंकि अर्धशीर्ष कोण की चर्चा करनी है ना, और टेन इनवर्स ले आना है। तो ये साइन कॉस टेन आते किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में आते हैं ना, तो इसलिए हम समकोण त्रिभुज पकड़ रहे हैं। और समकोण त्रिभुज ऐसे इसको लिख बना लो, यहाँ पे बना लिया तुमने, इधर आर था, यहाँ एच था, यहाँ यल था, और ये कोण तुमने क्या माना, अल्फा। और सिद्ध क्या करना है, साइन में सिद्ध करना है या कॉस में या टेन में, टेन में सिद्ध करना है ना, तो इसलिए तुम यहां से टेन अल्फा निकाल लो। इसलिए टेन अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, कोण के सामने की ये भुजा होगी लंब, होगी कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, और कोण से लगी सीधी भुजा ये क्या होती है, आधार। और ये तो कर्ण हमेशा रहेगा, तो हमको लंब और आधार से मतलब है, मतलब यच बटे क्या आर, टेन अल्फा बराबर यच बटे आर हो गया। हो गया ना? अब यही टेन अल्फा हमको निकालना भी है, बात को ध्यान से समझना, यही टेन अल्फा निकालना भी है, और यच बटे आर आ गया। अब यच बटे आर का मान अगर हम करणी में दो ले आ दे, क्या ले आ दे जी, करणी में दो,
तो करणी में दो मतलब टेन अल्फा बराबर करणी में दो हो जाएगा, तो टेन को उधर भेजेंगे तो अल्फा बराबर टेन इनवर्स करणी में दो हो जाएगा, होगा। निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि अर्ध शीर्ष कोण अगर हम अल्फा निकालना चाहते हैं यहाँ पे, कौन सा कोण, अर्ध शीर्ष कोण, अगर ये अल्फा निकालना चाहते हैं तो पहला काम हमें एच बटे आर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एच बटे आर। अगर एच बटे आर की वैल्यू निकाल दिए तो हमारा काम हो जाएगा, समझ गए। तो शुरू करते हैं, देखो अर्धशीर्ष कोण की चर्चा किया था इसलिए वहां पहुंचे हैं, नहीं किया होता तो निकालते ही नहीं, तब इतना हमको निकालना ही नहीं पड़ता, तब सीधे सीधे हम यहीं से मान के जो आगे दिया गया उसको हल कर लेते। लेकिन अर्धशीर्ष कोण दिया है, पहले ही निकाल दे रहे हैं जिससे बाद में तुम्हारे फंसने की संभावना न हो, बाद में जाने के बाद तुम फंसो ना कि कैसे करना है, ठीक है ना। ये रहेगा तो हम तुरंत इसका प्रयोग कर लेंगे। अब आगे बढ़ो सवाल में, क्या कह रहा है, दी हुई तिर्यक ऊंचाई, क्या दी गई है जी, तिर्यक ऊंचाई, तो लिखो दिया है, दिया है तिर्यक ऊंचाई बराबर यल, ये दिया गया है, ठीक है ना। अब क्योंकि शंकु के लिए कुछ जानते हो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र, तिर्यक ऊंचाई क्या जानते हो जी, एल बराबर एल स्क्वायर कर दें सीधे, बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो माना तो हमने तीन चीज आर एच और यल माना है ना, लेकिन उसने कहा कि यल दिया गया है, यल दिया गया है इसलिए यल क्या होगा, निश्चित होगा। यल दिया गया है इसलिए यल निश्चित होगा, यल में बदलाव नहीं होगा, ये याद रखे रहना। जो चीजें दे दी जाएंगी वो निश्चित होती हैं, अभी पीछे तो हम लोग यही कर रहे थे ना, यस दिया गया था तो यस बराबर लिख के आर की वैल्यू यस के पद में निकाल लिए थे। ऐसे यहां पे देखो यल दिया है तो इसलिए यह क्या होगा, स्थिर होगा, और स्थिरांकों का अवकलन होता है, नहीं होता है, हो जाएगा ना। तो मतलब इन तीन में से किसका किसका अवकलन होगा, भी यच का और आर का, लेकिन अगर यच और आर हमारे सवाल में एक साथ आ गए तो हम फंस जाएंगे, फंस जाएंगे नहीं फंस जाएंगे, क्योंकि हमारा काम क्या है, कितने चरपद में सवाल को बदलना है, केवल एक चरपद में बदलना है ना, तो वही काम हम यहां करने वाले हैं कि यल तो समाप्त ही है समझो, क्योंकि स्थिरांक है, बचे कौन, यच और आर, तो यच का मान या तो आर के पदों में निकाल लो या तो आर का मान एच के पदों में निकाल दो, मतलब या तो आर स्क्वायर को इधर भेज दो तो यच बराबर आर के रूप में मिल जाएगा, यच खत्म हो जाएगा, हो जाएगा ना। बचेगा कौन, यल और आर बचेगा, तो यल का तो शून्य ही हो जाएगा अगर हुआ तो, और आर का तुम्हारा अवकलन हो जाएगा, आर के सापेक्ष हम अवकलन कर लेंगे, हो जाएगा। तो वही काम हमको करना है, तो अब क्या करें यहां पे, इसलिए एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यहां पे मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां पे हमने अपने हिसाब से थोड़ा गेम खेला है कि हमने एच को आर में बदला, अभी आया कि नहीं समझ में, अभी सवाल में जो हमको करना है वहां पहुंचो तो अभी देख लेंगे कि हो सकता है किसी दूसरे को बदलने आसान हो जाए, मतलब आर को ही निकालना पड़े एच में, देख लो अभी जो तुमको काम करना है उस पर बढ़ो आगे। कह रहा है दी हुई तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई दी हुई थी वैसे हमने कर लिया उसका काम, हो गया ना, उससे उतना ही कर सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। आगे कहा और महत्तम आयतन वाले, महत्तम माने जानते हो उच्चिष्ठ या अधिकतम, महत्तम माने होता अधिकतम, ठीक है ना। तो अब देखो तुमको महत्तम आयतन निकालना है, मतलब आयतन को क्या दिखाना है, उच्चिष्ठ दिखाना है, तो आयतन लिखना शुरू करो, क्योंकि आयतन को क्या दिखाना है, महत्तम दिखाना है, महत्तम दिखाना है, तो इसलिए आयतन भी बराबर, शंकु का आयतन भी का सूत्र
एक बट्टे तीन पाई आर स्क्वायर एच। देखो अब दिमाग लगाओ तुम अपने आप, आर और एच दोनों आ रहे हैं ना, अवकलन तो दोनों का होगा क्योंकि हमने ऊपर ही बता दिया यल ही, तो यल का ही अवकलन नहीं हो पाएगा ना, आर और एच दोनों का होगा, तो या तो एच को खत्म करना होगा या तो आर को खत्म करना होगा। तो हमने तो यहां से एच स्क्वायर की वैल्यू निकाला, यहां पे एच दिख रहा है, अब एच की वैल्यू निकाले तो कर्ण ही आएगा, कर्ण ही आएगा तो फंसे, तब फंसेगी कि नहीं फंसोगे, क्यों? क्योंकि इंदु का अवकलन बन जाएगा और दूसरे करणी बन जाएगी, करणी में मानक मानना होगा फिर अवकलन करना होगा, करना होगा। ये बचा कौन यहां पे, आर स्क्वायर बच रहा है ना, यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू निकल सकती है, सीधे सीधे निकल सकता है ना तो उस पर करणी लगेगी ना फर्स्ट इंटू सेकेंड बनाना होगा, आसानी से हो जाएगा वो, होगा। इसलिए हम क्या करें, आर को यच में बदल लें, बदलना किसी को है, तुमको बाद में मान किसका निकालना है, यच बटे आर का ही मान निकालना, चाहे जिसको बदलो अंत में तुम पहुंचोगे वहीं पे, रास्ता चाहे जो भी हो पहुंचना मंजिल पे ही है तुमको, ठीक है ना, याद रखते रहना। और क्या करना है यहाँ पे, आर स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, मतलब आर स्क्वायर को इधर रोकते हैं और किसको भेज देते हैं इधर, एच स्क्वायर को। अब देखो यहाँ पे समीकरण किससे, दो से, तो दो का प्रयोग कर लिया जाए, दो का प्रयोग से हो जाएगा वी बराबर एक बट्टे तीन पाई आर स्क्वायर की जगह क्या कर सकते हो, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू, ये तो ये होते फिलहाल कहां से आ गया, हो गया ना। अब देखना है हमको देखो गुणा करा ले, जी बराबर एक बट्टे तीन पाई इसमें एल स्क्वायर एच और माइनस एच क्यूब, तो किसके सापेक्ष अवकलन कर सकते हो, एच के सापेक्ष, क्यों जी, क्योंकि कई चीज बची उधर, ये देखो पाई तो कांस्टेंट है पहले से ही, यल को हमने मान लिया कांस्टेंट है, क्यों माना, कहे माने, हम दिया था ना, जो दिया है वो कांस्टेंट ही होगा, स्थिर ही होगा, जो दे दिया गया उसमें कहां बदलाव होगा, जो आने वाला है बदलाव उसमें हो सकता है ना, ध्यान देना। तो अब क्या होगा, यच के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वी, और क्या लिखेंगे इसको, डी एच, इधर एक बट्टे तीन, अब इसको ऐसे लिखें पाई बट्टे तीन को गायब करेंगे और इसमें यल स्क्वायर बाहर निकलेगा, डी डी एच आप यच और माइनस डी डी एच आप एच क्यू, तो बराबर पाई बट्टे तीन एल स्क्वायर और इसका एक और माइनस तीन और एच स्क्वायर बच जाएगा ना, घात में से एक कम हो जाएगा तो होगा। अब क्या बच गया, डी भी डी एच बराबर पाई बट्टे तीन और एल स्क्वायर माइनस थ्री एच स्क्वायर। अब चूंकि उच्चिष्ठ निम्निष्ठ के लिए, क्योंकि पहला अवकलन को मान लो समीकरण नंबर अब तीन, तो उच्चिष्ठ निम्निष्ठ के लिए अब आते हैं, तो उच्चित निम्निष्ठ के लिए आने के लिए इसके बराबर क्या करना होगा, जीरो करना होगा, तो डी वी डी एच के बराबर शून्य किए, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नोट करो। देखो जब इस तरह के सवाल आते हैं तो सबसे पहले जो सवाल में दिया गया उसका चित्र बना लो, ठीक, फिर उसके बारे में जो जो निकाल सकते हो या मान सकते हो मान के कर लो उसको। यहाँ पे अर्धशीर्ष कोण की चर्चा करना था इसलिए हमने पहले अर्धशीर्ष कोण ही निकाल दिया, अभी साइन में सिद्ध करना होता जैसे इसके बाद के सवाल में, तो हम यहाँ पे साइन निकाल लेते, निकाल लेते ना, तब आता तुम्हारा लंब बट्टे कर्ण, मतलब आर बट्टे क्या आता, यल आता, तब आर बट्टे यल की वैल्यू निकालते हम बाद में, समझ गए, ध्यान देना। सर एक क्वेश्चन याद रखना, मिटा रहे इधर हम। अब देखो यहाँ पे आर बट्टे एच कर लो इसको, हो गया ना। अब देखना शुरू करो, पहला अवकलन हो चुका है, उसके बराबर जीरो करना है, महत्तम दिखाना है, तो देखो
डीवीडीएच बराबर जीरो दिखाना है ना, तो डीवीडीएच क्या आया, पाई बटे तीन एल स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बराबर जीरो, भेजो इसको खत्म, तो एल स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बराबर जीरो पूरे तीन बट्टे पाई, खत्म हो गया ना, तो एल स्क्वायर माइनस तीन एच स्क्वायर बराबर, एल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, तीन एच स्क्वायर आ गया, हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। छोड़ देते हैं इसको, देखो एल स्क्वायर बट्टे तीन बराबर, तो यच बराबर क्या आ जाएगा, जाएगा ना एल बट्टे करणी तीन बचेगा, क्योंकि एल स्क्वायर तो बाहर निकल गया, हो गया ना। अब ध्यान से देखना करना क्या है, हमें पुनः अवकलन करना है, किसका जी, किसका पुनः अवकलन करना है, समीकरण एक का तीन, तीन है दो उसको पहले माने थे ना, तो पुनः अवकलन क्या होगा जी, डी डी एच ऑफ डी वी डी एच बराबर पाई बट्टे तीन बाहर, और इसमें डी डी एच ऑफ एल स्क्वायर माइनस तीन बाहर, डी डी एच ऑफ एच स्क्वायर, हो गया ना। अब देखना पाई बट्टे तीन रहेगा ही, इसमें एल स्क्वायर अचर पद था जीरो हो गया, स्थिर था, माइनस तीन गुड़ी इसका घात आ गया है कि घात में से एक घट जाएगा, तो माइनस इसका कर दो बाहर, और पाई बट्टे तीन गुड़े कितना है, छह एच, तीन दूनी छह मतलब माइनस आ गया टू पाई एच, चूंकि एच बराबर एल बराबर करड़ी में तीन, एल बट्टे करड़ी में तीन पर क्या होगा, ये डी टू वी डी एच स्क्वायर होगा ना, बराबर माइनस टू पाई इंटू एल अपॉन अंडर रूट थ्री, जो क्या है ऋणात्मक है, ध्यान देना क्योंकि जो एल है वो दिया गया है, उसमें बदलाव नहीं होने वाला है कुछ, इसलिए एल के आधार पर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, यच के आधार पर नहीं कर सकते थे, यच बदलाव होने वाला है ना, मान लो यच की वैल्यू बदल के ऐसा हो जाता कि धनात्मक मान आ जाता, ठीक है, लेकिन यल की वैल्यू नहीं बदलने वाली, यल की वैल्यू स्थिर है, निश्चित है, दी गई है, ठीक है, जो वैल्यू दी जाती है उसमें बदलाव नहीं होता है, वो स्थिरांक है, इसलिए उसके आधार से हम उसकी निमित की व्याख्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ से कह सकते हैं जो ऋणात्मक है, इसलिए एच बराबर यल बट्टे करड़ी में तीन पर आयतन क्या होगा, महत्तम या कहें तो उच्चिष्ठ होगा, हो गया ना। अब देखो हमको तो इससे मतलब ही नहीं था, पहुंच गए हम यहां पे, लेकिन मतलब था, कहा था महत्तम आयतन वाले, कहा था ना, तो महत्तम आयतन तक पहुंच गए, वो भी आ गया यच का मान यल के पदों में, हमको किसका मान निकालना था, उधर आर बटे यच निकालना था ना हमें, क्योंकि हमको तो अर्ध शीर्ष कोण चाहिए, तो हमें क्या निकालना है, R बटे H निकालना है, तो हम चलेंगे अब फिर से समीकरण दो पे, जो समीकरण दो माने ना, किसको माने समीकरण दो, L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ना, दूसरे वाले माने नीचे वाले को, ठीक है कोई बात नहीं है, चलो देखो आगे। अब देखो क्या करना है, इधर में जाना है उसका, तब आगे बढ़ना है, देखते जाना ध्यान से क्या करने वाले हैं। अतः एच बराबर एल करड़ी में तीन से करड़ी में तीन एच बराबर एल, ऐसा फिर कहे कर रहे हैं अब,
क्योंकि हमको मतलब किससे है, आर बट्टे यच से मतलब है ना, तो यल क्या करेगा, चार थोड़ी डालेगा वहां पे, एल को खत्म करना होगा, तो करीम टी एच बराबर क्या यल, इसलिए समीकरण कहां से जी, दो से, क्या निकला था समीकरण दो से, यल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो यल का मान रखने पर, वहां यच का मान रखते थे, यहां यल का मान रखेंगे अब, क्योंकि यच में ले आना ना फिर सवाल को, तो यल का मान रखेंगे तो करणी में तीन यच का स्क्वायर और माइनस यच स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो ये तीन यच स्क्वायर माइनस यच स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, देखना करणी तीन का वर्ग तीन और यच का यच स्क्वायर हो गया ना, इधर बचा टू यच स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर, हमको आर बट्टे यच चाहिए, ये गुड़ा में है ले जाओ उधर भाग में इसको, आर स्क्वायर बटे क्या यच स्क्वायर, तो दो बराबर आर बटे यच का क्या होल स्क्वायर हो गया ना, अब क्या करेंगे वर्ग को इधर भेजेंगे, तो इसलिए करणी में दो बराबर आर बटे यच मान रखने पर, इसका आर बटे यच का मान क्या था, टेन अल्फा था ना, तो टेन अल्फा बराबर कह सकते हैं हम करणी में दो, तो अल्फा बराबर टेन इनवर्स करणी में दो, दिख रहा है तो सही उत्तर हो जाएगा, हो जाएगा, तो इसके बाद साइन इनवर्स वाला आप लगा सकते हो, तो समझ जाओगे ना, नोट कर लो, तेरह नंबर सवाल उतारो, अब दिखाइए कि एक निश्चित आयतन के दिखाइए कि एक निश्चित आयतन के शंक्वाकार डेरे को बनाने में, एक निश्चित आयतन के शंक्वाकार डेरे को बनाने में कम से कम कपड़ा लगेगा, कम से कम कपड़ा लगेगा कम से कम कपड़ा लगेगा यदि यदि उसकी ऊंचाई यदि उसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का अनुपात यदि उसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का अनुपात हो गया करणी में दो अनुपात एक है, करणी में दो अनुपात एक है, अब देखो सवाल एकदम ऐसा ही आएगा उत्तर जैसे इसमें आया है ना, उत्तर वैसा ही आएगा, बस अंतर क्या होगा, इसमें आर बट्टे यच बराबर करणी में दो आया है, हमारे सवाल में यच बट्टे आर बराबर करणी में दो आएगा, हमको थोड़ा सा तरीका बदलना होगा, ध्यान देना, सबसे पहले तो चित्र बनाओ,
उसके बाद उसमें जो जो चीजें दी गई हैं उसको लिख लो। देखो पहले एक चित्र हम भी बना देते हैं, बात नहीं, ये केंद्र O है, त्रिज्या R है, ऊंचाई H है, तिरछी ऊंचाई L है, ठीक। यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ अर्धशीर्ष कोण जैसी कोई बात नहीं रही हुई, हम भी बात नहीं करेंगे, उनको कौन कुत्ता काटा है, हो गया ना, जो दिया उस पे चलते हैं। त्रिज्या बराबर आर, ऊंचाई बराबर एच, तिरछी ऊंचाई बराबर यल, यहां मामला फंसने वाला है, न तो आर दिया गया, न तो एच दिया गया, न तो यल दिया गया, ठीक है। इसलिए यहां से एल स्क्वायर बराबर क्या कर लो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके संतुष्ट रहो, अभी हो गया, कुछ नहीं अभी कर सकते हो ना इसमें, तो एक लाइन में आज छोड़ देते हैं, हो सकता है कुछ करना पड़े, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जो चीजें दी गई क्या कह रहा है सवाल, एक निश्चित आयतन के शंक्वाकार डेरे, आयतन क्या है, निश्चित है, क्या है आयतन, निश्चित। तो अब देखो, क्योंकि आयतन निश्चित है, हो गया, इसलिए भी क्या होगा जी, स्थिर होगा, होगा ना। अब क्योंकि v बराबर क्या जानते हो, एक बट्टे तीन पाई आर स्क्वायर एच जानते हो ना, तो अब यहां से क्या कर सकते हो जी, तुम निकालो इसको, दिखाना न्यूनतम, कम से कम कपड़ा लगेगा ना। अब बताओ कपड़ा जो है वक्र पृष्ठ पे लगेगा कि संपूर्ण पृष्ठ पे, कपड़ा वक्र पृष्ठ पे लगेगा ना, क्योंकि जो टेंट लगाएंगे ऐसे लगाएंगे, जमीन पे तो लगाएंगे ही टेंट को, ठीक है, तो ये जमीन का जो वृत्ताकार हिस्सा है वो बच जाएगा, तो कपड़ा किस पे लगेगा, पहले उसको बना लेते हैं, तब यहां देखते हैं क्या बदलना होगा। क्योंकि कपड़ा किस पर लगेगा जी, वक्र पृष्ठ पर लगेगा, हो गया, तो इसलिए वक्र पृष्ठ यस बराबर क्या सूत्र बनता है, पाई आर एल, यहां सब स्क्वायर में घूम रहे हैं, हम भी क्या करते हैं, दिमाग लगा लेते हैं, क्या कर लिया जाए, वर्ग कर लिया जाए, तो यस स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एल स्क्वायर, हो गया, तो एल स्क्वायर की जगह ये मान रख दिया जाए, ठीक है ना, समीकरण किससे, एक से, समीकरण एक से मान लिए इसको, समीकरण एक, बदलना नहीं पड़ा, काम हो गया हमारा, एस स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर की जगह क्या, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अब कौन फंसा रहा है, कौन फंसा रहा है, ये एच और आर फंसाएंगे ना अभी हमको, किसका मान यहां से निकाल ले, अब आर स्क्वायर का मान निकाल ले, अब निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, तीन इधर भी बच्चे पाई और यच बराबर क्या जी, आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्योंकि आर स्क्वायर को बदलना आसान है, नहीं तो यच का मान निकलेगा, वर्ग कर देना होगा हमको, बदल जाएगा मामला थोड़ा सा, ठीक। अब देखो यच स्क्वायर बराबर क्या होगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर
और इस पर मान रखना है ना, क्या मान रखना है, 3V/πh। उसके बाद यहाँ पे h स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 3V/πh, एक पाई से एक पाई काट दे इधर, तो h स्क्वायर बराबर क्या बचा, 3πV बचा ना, और इसका अंदर गुणा करा लो, घुमाओ मत इसको इधर, h स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा h, और प्लस 3V/πh तो है ही, और एक तो h का और गुणा हो गया, हो गया ना। अब कुछ करना होगा, यश स्क्वायर का ही अवकलन करोगे तो फंस जाओगे, क्या मान ले यश स्क्वायर को, कुछ अलग मान सकते हैं जिससे उसका अवकलन ही ना करना पड़े। पीछे देखो, जो हमारे पास लॉग यक्स था ना, लॉग वाई आया था ना, लॉग वाई को हमने क्या मान लिया था, वाई माना था ना, वही काम यहाँ पे करो, यश स्क्वायर को कुछ ऐसा मान लो जिसका अवकलन, यश स्क्वायर को वाई मान लो, माना यश स्क्वायर बराबर y, तो अब y बराबर हमारा सवाल लगेगा, क्या लगेगा, 3πV, उसके बाद यहाँ पे बचा h, और उसके बाद ये बचा 3V, उसके बाद बटे पाई, और उसके बाद क्या बचा, h स्क्वायर। अवकलन कर दे पहला वाला, फिर आगे काम कर लोगे ना। तो इसलिए अब किसके सापेक्ष अवकलन, h के सापेक्ष अवकलन, ध्यान से देखना, dy/dh हो गया ना बराबर 3πV, ये तो बाहर ही रहेगा क्योंकि v दिया गया था। उसके बाद इसमें dh आप किसका कर दोगे, h का कर दोगे ना, फिर क्या बचेगा इसमें, क्या है, 3V था ना यहाँ पे, प्लस 3V/πh बाहर कर लो, और dh आप किसका कर लो, h घात -2 नीचे से ऊपर लिख चले गए तुरंत, हो गया ना। अब देखना इधर, 3πV है, इसका अवकलन 1, और इसमें 3V/πh है, इसमें घात आगे आएगी, घात में से 1 घट जाएगा, मतलब 3πV बचा, और 1 माइनस हो जाएगा ना, 3×6V/πh, और h की घात -3, मतलब हमारे पास आ गया dy/dh बराबर 3πV, और ब्रैकेट में 1 माइनस 6V/ कितना, πh³, हो गया। अब यहाँ से हमारा काम हो जाएगा, इसके बराबर अभी क्या रखोगे, अब 0 रखोगे, 0 रखने के बाद तुमको h की वैल्यू मिल जाएगी ना, v के पदों में h की वैल्यू v के पदों में मिल जाएगी, क्योंकि v दिया गया है, हो गया ना। फिर इसका दोबारा अवकलन करोगे तो अब देखो, ये फिर ऊपर जाएगा, फिर माइनस आ गया, अगर माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, और प्लस हुआ तो क्या हो जाएगा, निम्निष्ठ हो जाएगा, अर्थात कम से कम कपड़ा लगेगा, कपड़ा लगाना है वक्रपृष्ठ पर, तो कपड़ा लगा है वक्रपृष्ठ, जब निम्निष्ठ हो जाएगा तो कपड़ा कम से कम लगेगा। वक्रपृष्ठ निम्निष्ठ होने के बाद जिस पर तुम्हारा वक्रपृष्ठ निम्निष्ठ हुआ उसके लिए तुम इसका फिर प्रयोग करोगे, क्योंकि भी तुमको नहीं चाहिए, तुमको क्या चाहिए, यह और आर चाहिए ना, ऊंचाई और आधार की त्रिज्या में अनुपात निकालना है, फिर वी का सूत्र लिख देना, उसमें लिख दोगे सारी चीजें कट जाएंगी, कटने के बाद आर और एच में संबंध मिल जाएगा, मामला फंसा, समीकरण 1 का भी प्रयोग कर लेना, हो जाएगा। मतलब पूरा हल करने के बाद इस 1 और 2 का पुनः एक बार प्रयोग करना होगा, अगर हो सकता है बच गए तो 1 का ही काम चल जाएगा, नहीं तो दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक, नोट कर लो, करके आना घर से, बाकी कल देखेंगे। देखो कल एक दो सवाल और बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तब तक इसमें कोशिश करते रहो जितना हल कर सकते हो तुम लोग, ठीक है, शेष बच्चे सवालों पे कोशिश करते रहो,
जो सूत्र था सारा का सारा पीछे लिखवा दिया गया है, आयतन का क्षेत्रफल का सब सूत्र लिखवाया गया है, तो उसी को लिखो और जिस हिसाब से दिया है हल करके कोशिश करो। और यहाँ पे देखो जब मामला फंसने लगे, करड़ी आने लगे, जैसे मान लो यहाँ पे यस बराबर था पाई आर एल, न तो आर की वैल्यू ठीक से निकल रही थी न तो एल की वैल्यू, अगर साधारण तरीके से निकालते तो करड़ी लग जाती इनपे, ठीक है। इसलिए हमने वर्ग करके अपना समय बचा लिया और दिमाग भी हमारा आसान हो गया, नहीं तो वर्ग नहीं करते करड़ी आती, करड़ी के अंदर अगर ये आ गया होता तब तो बहुत बड़ा मामला फंसता, क्योंकि पहले उसको मानक मानते फिर एक बार करड़ी का आकलन बनता, फिर इसको मानक माने से उसका आकलन बनता, बनता ना तो मामला बड़ा होता जाता। इसलिए वर्ग करके हमने सवाल को ही आसान कर दिया, आंसर में बदलाव कोई नहीं आने वाला है। नहीं नहीं निश्चित नहीं, आयत कॉन्स्टेंट एक बच्चे तीन पाई आर स्क्वायर एच, आयतन कॉन्स्टेंट है, आर में इस प्रकार का बदलाव हो कि एच कम हो जाए तब। अगर मान लो जैसे ये अभी था तुम्हारा पांच पचे पच्चीस था और ये दस था ना? तो पच्चीस दस में कितना हुआ 250 हुआ। अब 250 ही करने के लिए हम कोई दूसरा तरीका भी तो कर सकते हैं, 250 करने के लिए हम लोग कर दें इसको, इसको पांच करणी पांच कर दें और इसको दुइये ही कर दें, पांच करणी पांच को सब समझते हो, पांच पच्चीस पच्चीस, पच्चीस पच्चीस 125 और यज का मान दो 25 टू 125 टू 250 तभी 250 रह गया ना। तो इसका मतलब आयतन कांस्टेंट है, तो ये निश्चित नहीं है, जरूरी नहीं कि आर और एच कांस्टेंट हो, याद रखे रहना। अगर मान लो त्रिज्या बढ़ा रहे हो तो ऊंचाई घटा दो, आयतन बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। त्रिज्या घटा रहा तो ऊंचाई बढ़ा दो, आयतन बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। अभी तुम्हारे पास ये अगर डस्टर है, डस्टर ठीक है, इसको अगर वैसे मोड़ दे क्या आयतन बदल जाएगा? इसका नहीं बदलेगा, जब तक चिपकाएंगे नहीं ना, तब तक चिपका दिए तभी आयतन नहीं बदलने वाला है। ये डस्टर और ये डस्टर, इसको चिपका दिया हमने, ठीक है, ये दोनों का आयतन जो था पहले वही सेम सेम है, अभी आयतन में बदलाव नहीं हुआ है, ध्यान दिए रहना यहाँ पे। तो लेकिन अब इसकी लंबाई बदल चुकी है, देखो लंबाई अब इतनी बड़ी हो चुकी है, ठीक है, लंबाई इतनी बड़ी हो चुकी है, बदलाव हो सकता है, जरूरी नहीं कि मतलब निश्चित ही हो, बदल सकते हो तुम, आयतन निश्चित है लेकिन उसका गुणनफल जरूरी थोड़ी है निश्चित हो। जैसे कहा दें अगर हम दो संख्याओं का गुणनफल 100 है, क्या दोनों संख्याएं निश्चित होंगी? नहीं, हम तो कहते हैं 10-10 होंगी, 20-5 होंगी, 5-20 होंगी, 25-4 होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, बहुत सारी हो सकती है, नोट कर लो, अब आगे लगा के ले आना, बाकी चीजें कल देखेंगे, उसके बराबर जीरो करना है आपको।